गुड मॉर्निंग गाइस, और देखिए मेरे घर पे मैं कैसे विचित्र तरीके से सोती हूँ। एक अकेली लड़की इस पर बेड पे इस तरह से घमासान युद्ध करके सोती है। जस्ट लुक एट द हालत। सो इसे भी मैं ठीक करूँगी, और बेड ठीक करने के बाद मैं थोड़ा ब्रश तब करूँगी। मुझे बेड बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा है। पहले मैं बेड ठीक करूँगी, उसके बाद मैं ब्रश करूँगी, उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है आज मैं टिफ़िन लेने नहीं जा रही हूँ। फॉर 2-3 डेज मैं नहीं जाऊँगी, तो आज की तैयारी करूँगी। स्पेशली मतलब ऐसे ही थोड़ा आलू का सब्जी बनाऊँगी, सोचा जो है आलू का सब्जी बनाऊँगी। और क्या है, दाल है, चावल है, मतलब बनाऊँगी एंड दैट्स इट। कल की थोड़ी सी रोटी, 2 रोटी पड़ी है, मोर देन इनफ, मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। सो आई विल बी मेकिंग दैट ओनली, इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दैट्स अबाउट इट, लेट्स स्टार्ट द डे। वेलकम टू एवरीवन एंड भूमिकास चैनल, लव यू गाइस, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आया था, जिसकी वजह से पूरा घर मट्टी मट्टी हो गया है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट अपने रूम को और हॉल में थोड़ा सा झाड़ू लगाऊंगी, सो दैट सब क्लीन एटलीस्ट रहे, क्योंकि मेरे पैर बहुत गंदे हो रहे हैं। ओह शिट। सो मैंने अपना बेड ठीक कर लिया है, और हाँ, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको सिर्फ उठाना है। बाकी मेरा बेड ठीक हो चुका है एंड दैट्स अबाउट इट। झाड़ू लगाना पहले मुझे पसंद नहीं था, बट जब से मुझे समझ आया, जब मैं बड़ी हुई, ऑब्वियसली पहले छोटे होते थे तो मम्मी लोग बोलते थे साफ़ सफाई में ध्यान रखो, कुछ नहीं आता है। तो अब बड़े हो जाने के बाद पता चलता है कि नहीं, साफ़ सफाई क्यों करनी पड़ती है। एंड जो हालत कल थी, इतना तूफान आ रहा था, मेरे डैड ने मुझे फ़ोन करके ये कहा, गुड्डू कहीं गिर मत जाना, कहीं उड़ मत जाना। एंड आई वॉज लाइक लिटरली सेइंग, डैडी सीरियसली मुझे हिल जा रही हूँ मैं। And he was like, don't shout. And I was like excited, इतना हवा आ रहा था एंड आई वॉज एन्जॉइंग इट। बट उसके बाद फिर मुझे बहुत अच्छी नींद आई, 1 घंटा तब मैं सो गई। एंड उसके बाद मुझे रात को भी बहुत अच्छी नींद आई, टी वी देखते देखते मैं कब सोने जैसा हो गया, समझ ही नहीं आया। साइड में रिमोट पड़ा होता है, फटाक से रिमोट से टी वी बंद किया एंड आँख लग गई। एंड बहुत अच्छा से मतलब मेरा नींद हुआ है कल। आई एम फीलिंग गुड टुडे, बट स्टिल थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि कल की वजह से मतलब थोड़ा सा कमज़ोरी वो तो होगा ही। अभी फ़िलहाल कहा ही है डॉक्टर ने कि थोड़ा टाइम आपको कमज़ोरी लगेगा, दैट्स ऑल राइट। आज मैं झाड़ू मारेगा, उसके बाद दिखाएगा आप लोग को कि और क्या क्या किया है। अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया है, ये सब गंदा गंदा काम पहले कर लूँ, उसके बाद अपना ब्रश व्रश करना शुरू करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, तो मेरी ये छोटी कढ़ाई निकल चुकी है और ये भी निकल चुका है, इसमें हम चावल भजाएंगे। और इसको मैंने अलग से रखा है जब आलू बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि मैं आलू को बॉईल करूँगी। तो ये निकल गया मेरा कुकर, ये मेरी मॉम ने मुझे दिया था। इस कुकर को लगभग 9 साल हो गए मेरे पास एंड आई लव दिस, क्योंकि सब मेरी माँ की निशानी है। और मैं अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रखती हूँ, ख़राब नहीं होने देती हूँ। तो आज भी ये वैसे ही है जैसे था। एंड अब इसको गैस पे चढ़ा दिया, थोड़ा सा पानी डाल के। अब इसमें जाएगा चावल का स्टैंड, आई विल शो यू। कहाँ गया चावल का स्टैंड, ये रहा। सॉरी, ये सारी चीज़ें मेस्ड अप है, इसे सबको ठीक करना पड़ेगा। सो आई विल कीप दिस रिंग इनसाइड दिस कुकर। उसके बाद मैं ये डालूँगी चावल, चावल को ढक दूँगी। उसके बाद यहाँ पे साइड में आलू जाएगा, उसके बाद बंद करेंगे। ये रही मेरी आलू की टोकरी, इसमें से चुन लेते हैं आलू कितने चाहिए मुझे। आई एम अ बिग भालू, आई थिंक सो इतना ठीक है, मैं कम ही बना रही हूँ। और ये मेरा रात भर चल जाएगा इतना आलू का सब्जी। तो ये आलू को मैंने धो लिया है एंड आई हैव मेड इट इनटू हाफ्स। अभी आलू सीधे जाएंगे मेरे कुकर में इस तरह से साइड में। ओके, अगर आपको पानी कम लग रहा हो, मतलब अपने हिसाब से आप
पानी डाल सकते हैं बिकॉज वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प इट टू बॉयल। एंड ज़्यादा नहीं, 2-3 सीटी में इसका काम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं कुकर शुरू नहीं करूँगी बिकॉज टाइम है, टाइम है उसको भूजने का। चावल थोड़े से और भिजाऊँगी उसके बाद उसे ऑन करूँगी। ये रहा इनर पे जो पानी आता है, वी यूज़ इट फॉर कुकिंग। ऐसे पीते नहीं हैं बट कुकिंग में हो जाता है, इसको बॉइल करके मैं यूज़ कर लेती हूँ। हमारी चिल्ली अच्छी है, साफ़ है, सो दैट्स हाउ आई डू इट। अब ये रेडी है, इसको ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के लिए तो हाथ चाहिए, तो गाइस पानी मिलती हूँ। रेडी हो गया है, अब थोड़ी देर के बाद, लाइक लेट्स से हाफ एन आवर के बाद इसे चलाएंगे और फिर इसमें से सीटीओ की आवाज़ आएगी, श, 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 और हमारे आलू और चावल पक जाएंगे। अरे गाइस, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई कि आज मैंने दवाई ही नहीं खाई है। तो ये 3 छोटी छोटी प्यारी प्यारी दिखने वाली दवाइयाँ अभी मेरे अंदर जाएंगी और ये पानी कल का कैरी फॉरवर्ड है, पर चीटिंग वाला पानी नहीं। नहीं, मैं कम ही पीऊँगी। अभी थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल लग रहा है तो शायद मेरा आज मतलब वाटर कंजम्पशन कम हो सकता है, मतलब लेवल पे हो सकता है, तो लेट्स ट्राई दैट। एंड अब ये मेरे पास आ रही है। साथ गटक लेने का पानी कम। आ गया है मेरा नाश्ता, सैंडविच, खीरा, थोड़ा सा टमाटर। ज़्यादा टमाटर नहीं खाना चाहिए, कहा जाता है जो उसको शुगर हो एंड जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई हो बीच में, मतलब जैसे मेरी हुई थी, तो अवॉइड करना चाहिए फॉर बेटर फ्यूचर। तो टमाटर अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसके दाने निकाल दो। दाने निकालने से उसका जो पल्प होता है वो निकालना पड़ता है एंड कहा गया है, तो लेट्स डू इट, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा सा टमाटर खाते हैं, थोड़ा नहीं खाते। पहले बहुत ज़्यादा खाती थी, अब थोड़ा कम खाती हूँ। अपने सेहत के लिए कुछ करना है तो इट्स ओके। और जो सब्ज़ी बनाऊँगी मैं उसमें भी थोड़ा सा टमाटर डालूंगी। वो सब्ज़ी मेरे डैडी को बहुत पसंद है, सूखी सब्ज़ी होती है आलू की, और उसमें हल्की सी चीनी, हल्का सा। मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, आई एम नॉट श्योर कि मैं दिखा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं है। धीरे धीरे सीख रही हूँ कि कैसे मोबाइल को पकड़ते हैं। एक्चुअली मुझे कुछ उस तरह से पता नहीं है कि कैसे किस स्टाइल में रखना चाहिए कि हमें दिखाई दे कि कोई क्या कुकिंग कर रहा है, वो सब मुझे आता नहीं है। एंड देयर इज़ नो वन इन माई प्लेस जो मेरे लिए मोबाइल यू नो थोड़ा सा पकड़ के ये सब कर दे। लास्ट टाइम अनमोल वॉज देयर तो थोड़ा सा हेल्प हो गया था, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें दिखा पाई थी कि कैसे क्या करना है। बट एनी वेज अकेले अकेला चलो रे। सो दैट्स हाउ द स्टार्ट ऑफ माई डे। एंड नाश्ता वाश्ता करने के बाद अब से मिलती हूँ वापस से। उसके बाद मुझे सबसे पहले कॉल करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल है, तो वो इम्पॉर्टेंट कॉल करना पड़ेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो ये रहे मेरे आलू, ये बॉयल हो चुके हैं एकदम भालू, अच्छे से भालू। अब इन्हें मैं टकला करूँगी और टकला करने के बाद एक्सट्रीमली सॉरी। सो इन आलूओं को मैं क्या कहते हैं, इनके छिलके उतारूँगी ऐसे, छिलके उतार लूँ उसके बाद दिखाती हूँ। इतनी बड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा टमाटर और काटूँगी, छोटा सा हाफ या फुल, और उसको फिर बखार कर दूँगी, दिखाती हूँ। सो द कढ़ाई इज़ ऑन फायर। अब इसमें थोड़ा सा तेल जाएगा, मैं बहुत ही कम तेल में खाना बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं कितना तेल डालूँगी। आलू थोड़े ज़्यादा है आज तो थोड़ा ज़्यादा तेल, मेरा ज़्यादा कितना होता आप देख लीजिए। सो दिस मच इज़ द तेल, दैट्स इट। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं
और इसको गर्म होने के बाद हम डालेंगे जो मैंने आपको दिखाई, मिर्ची 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 मिर्ची। ये ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, सो फर्स्ट हम डालेंगे जीरा, ये बड़ा जीरा। थोड़ा सा और डाल दूँ क्या? आइए, यस, बहुत ज़्यादा जीरा भी उतना ठीक ठाक है, मुझे उतना बघार उतना अच्छा नहीं लगता, वॉट्स एवर। सो ये डाल दिया मैंने जीरा, और अब इसमें पड़ेगी मिर्ची। देखिए गाइस, मैंने मिर्ची इस तरह से कभी काटी नहीं है, मोबाइल पकड़ के मैं काट के इसमें डालने की कोशिश कर रही हूँ। एक हाथ से कैसे करूँ, हे भगवान, रुक जाओ। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है तो वेरी गुड, नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए। तो ये मैंने डाल दिया मिर्ची मिर्ची, एंड चीज़ों को अपनी जगह पे रख देना चाहिए वापस टंकी के अंदर। एकदम थोड़ी सी प्याज जो मैंने काटी थी, एकदम थोड़ी सी वो मैंने डाल दी है। अब इसमें पड़ेगा मिक्स टमाटर, ये प्याज थोड़ी सी पकने लगी है, इसमें थोड़े से टमाटर डाल देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि टमाटर भी थोड़े ही लेने हैं, और जितना हो सके अवॉइड करती हूँ मैं, और इसके सीड्स निकाल चुकी हूँ मैं जितना पॉसिबल हुआ मुझसे। अब इन दोनों को पकाते हैं थोड़ी देर के लिए, हल्कू सा पानी डाल सकते हैं, हल्कू सा पानी डाला मैंने, एकदम हल्कू सा। चल चलाइए, चल 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 चलाते रहिए। और इसमें कुछ मसाले पड़ेंगे, आई विल शो यू। आप लोगों को दिखाने के लिए, देखिए मैंने ये ऐसे करके सारी तैयारी करके रखी है, तो पहले मैं डाल देती हूँ जो भी मिले हाथ में। तो ये गया जीरा, मैं मिर्ची ज़्यादा खाती हूँ इसलिए मैं तीखी हूँ, तो ये मिर्ची, ये देगी मिर्च है, और ये हल्दी है। अब इन तीनों को अच्छे से मिला दीजिए। ओके, पिक तो बहुत टेंपिंग रहा है अभी से, हाय लॉर्ड, बहुत मस्त लग रहा है। इसमें आप थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए मैं डालती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ कि कम तेल में खाना पकाने का ये सब नियम है। आप बहुत ज़्यादा तेल डालोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, बट मैं बहुत कम तेल में खाना बनाती हूँ, एंड ये मैं थोड़ी थोड़ी अपने हिसाब से ट्रिक्स बना के खाना बनाने में होशियार हो रही हूँ। अभी भी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है और सिखाना भी है, जैसे जैसे लाइफ चल रहा है वैसे वैसे मैं भी चल रही हूँ, बट सही तरीक़ों से खाना वाना खाना चाहिए, इतने सारे मसाले नहीं डालने चाहिए। मेरे जो बेसिक मसाले हैं मैंने वही डाले हैं, मैं इसमें कोई गरम मसाला वसाला नहीं डालती हूँ, ना ही डालूँगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। सो ये हो गया, ये पक रहा है, तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है अभी। अब इसमें मैंने छोटे छोटे आलू को, मतलब आलू को काट के उसमें डाल दिया है। अब उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। दोस्तों मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है, मैं भूल गई थी। आप बाद में भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं अभी थोड़ी देर में डाल देती हूँ। ये लगता है ये आलू काटा नहीं है मैंने, चलो कट कर देते हैं। आलू काट दिया, वाओ ये कितना टेम्प्टिंग लग रहा है यार, ये खाने में भी इतना ही अच्छा है। अब ये ऐसे आप खा सकते हो, या फिर थोड़ा सा गुजराती टच दे सकते हो। मेरे डैडी होते तो मुझे ज़्यादा डालना पड़ता, मैं दिखाती हूँ क्या। तो जैसे कि मैंने कहा मेरे डैडी होते तो ज़्यादा डालती, बट ये नहीं है, सिर्फ एक किसी चीनी डाल दिया है मैंने। ये थोड़ी सी मिठास वाली आलू की सब्ज़ी बहुत मज़ेदार होती है, ना डाले तो और भी मज़ा, तीखी तीखी लगेगी आपको, तो दैट्स इट। और अभी नमक डालती हूँ। सॉल्ट हमेशा और टेस्ट के ऊपर होना चाहिए, बट मेरे टेस्ट के ऊपर ज़रा भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाती हूँ, और अब मैंने कम करना शुरू कर दिया है, तो आई एम पुटिंग सॉल्ट बट इन अ कम मात्रा, सो आई होप इट गोज वेल। हा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।
क्या सब्जी दिख रही है बॉस, आपको कैसी लग रही है मेरी ये आलू की सूखी सब्जी, लोग भाजी भी बोलते हैं सूखी भाजी, कैसी लग रही है ये मेरी स्टाइल की, कम तेल में बताइएगा ज़रूर, मज़ा आएगा। आप लोग भी ट्राई करिए घर पे और लुफ्त उठाइए इसको, इसको चावल के साथ खाइए, इसको दाल रोटी के साथ खाइए, इसको जिसके साथ खाना हो खाइए बट खाइए। तो ये रही मेरी आलू की सब्जी, बहुत चत्तो चहत करके मैंने बना के दिखाई है, मुझे नहीं आता है ये सब करना, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड प्लीज़ सपोर्ट मी कि मैं ये कर रही हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। बाय 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 दोस्तों, खाना तो बन चुका है बट मैं नहाने के बाद ही खाना खाऊंगी, तो अब मैं चली नहाने और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, लगभग 2:30-3 बज जाएंगे ये सब करते करते। तो उसके बाद खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई बॉडी। एक तो बहुत जबड़ करती हूँ मैं, मुँह का रेस्ट कैसे हूँ, चुप कैसे रहूँ, कोई तो बताओ, कोई तो ऐसी बैंडेज निकालो जो मुझे चुप करा सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं हूँ तब तक मैं बोलती रहूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, हाँ नहीं रोक सकता। तक में मिलते हैं, बाय बाय। नाउ आके मैं तैयार हूँ एंड लेट्स डू पूजा टुगेदर, सो लेट्स डू दी आरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्वर्णं त्वमेव, त्वमेव देवो मम देवदेव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश। सो आज का मेरा ये खाना, दाल आलू की सब्जी, दो रोटी, एक और रोटी है खानी होगी तो खाऊंगी, नहीं तो चलेगा, और ये चावल और ये आम, वाह। और ये है स्टैंड, ये कुछ अभी नहीं है, स्टैंड है, इसके पास मैं मोबाइल रखती हूँ, खाते खाते मैं अपनी कुछ सीरियल्स देखती हूँ, विच इज़ माई फेवरेट टाइम, और मैं खाने के टाइम में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करती हूँ, अकेले खा के आराम करती हूँ थोड़ा सा मोबाइल घटते घटते। सो ये चार गोलियाँ मेरी लंच के बाद वाली, ये एक आयरन की होती है और एक इसमें सूजन की है और दो जैसे कि मैंने सुबह खाई थी वैसे। सो दिस इज द मेडिसिंस, नाउ आई एम गोइंग टू हैव इट। गाइस ये है तरबूज जो मैं कल लेके आई थी, कल तबीयत ख़राब हो गई थी बोल के इसे काट नहीं पाई, और इस प्यारे से तरबूज को, प्यार से तरबूज को अभी मैं काटेगा और इसको अच्छे से रखेगा फ्रिज में, और जब तक मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी तो मैं इसके एक दो पीस खाते रहूँगी। इससे क्या होता है ना कि पानी की प्यास बुझती तो नहीं है बट एटलीस्ट आपका मुँह गीला हो जाता है, एंड जिसको पानी नहीं पीना होता या कम पीना होता है मेरे जैसे, तो उनके लिए ये थोड़ा हेल्प करता है कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पानी पी रहे हो या लिक्विड कुछ आपके शरीर में जा रहा है, तो दिस हेल्प्स अ लॉट। तो इसे अब काटा जाएगा, पहले तो इसको धोया जाएगा, धो लिया गया है, अब इसे बड़ी सी छुरी से काटा जाएगा। मैं ही करती हूँ, तो बिल्कुल भी ये मत सोचेगा इससे नहीं होगा,
जब भी तरबूज आता है मैं ही काटती हूँ, मेरे घर में और कौन है जो काट देगा। सो सब मेरा नाटक है, आई आई ओ अटक गया। कैसे मैं काटती हूँ उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो मेरा तरबूज मैंने तोड़ दिया है, यस। अब इसको मैं छोटे 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 टुकड़ों में काटूंगी और फिर फ्रेश में रख दूंगी। तब तक के लिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ये मस्त सा दिखने वाला जो तरबूज है ये भगवान को भी दिया जाएगा। टू ऑल द भगवान्स, अच्छे से तरबूज खाइए, मीठी मीठी तरबूज आप लोग खाइए और आशीर्वाद दीजिए सबको, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को भी, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी फैमिली को, मेरी मिठू को, सबको आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद आपका। ये रहे तरबूज, ये मैंने काट लिया है, अब ये सीधा जाएगा फ्रिज में। सो लेट्स गो टू द फ्रिज, ये जब ठंडा ठंडा हो जाएगा तब मैं उसे खाऊंगी। और बताया ना आपको, थोड़ा थोड़ा ही खाऊंगी। अय्या जगह ही नहीं है मेरे फ्रिज में, चलो इसमें जगह बनाते हैं। थोड़े आम को सेटिंग करके रखते हैं और इसे उसकी जगह देते हैं। वाओ, एक तो बनता है। सो फाइनली मेरा सारा काम हो गया है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड आफ्टरनून तक, और अभी इवनिंग शुरू होने वाला है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, सो के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर से बताइएगा। आपको मेरी वो सूखी आलू की सब्जी कैसी लगी, मैंने आज पहली बार ट्राई किया बनाने के लिए ऑन वीडियो, ऐसे नहीं ऑन वीडियो। सो थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई बट सीख लूँगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कुछ चाहते हो कि कुछ और बना के दिखाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी। और ये कोशिश करने से क्या होता है ना कि मैं अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर रही हूँ, जैसे कि मैं अभी डेली लाइफ बना रही हूँ थोड़े दिनों से, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ और आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। और कुछ भी, मेरी तबीयत ठीक रह रही है फ़िलहाल, बस वो नज़र लग गई थी मेरी, यू नो खुद की नज़र लग जाती है, मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो थोड़ा सा कम करना चाहिए मुझे एंड थोड़ा सा धीरे धीरे और बोलना चाहिए ताकि मेरी हार्ट रेट और मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में रहे। आज का मौसम थोड़ा ठीक है, गर्मी नहीं है आज इतनी, तो इसलिए मैं भी ठीक हूँ फिलहाल के लिए। आप लोगों से अलविदा कह रही हूँ, कल वापस मिलूंगी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ 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 लिखिए, डू कमेंट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। लव यू गाइस, बाय। जय जय महेंद्र, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।